देखनी होगी ताकि आप इतने मज़े का लौकी गोश्त बनाना सीख सकें। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा जिसका नाम है कुकिंग विद गुलनाज़ यूट्यूब। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुलनाज़ यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम आपको बनाना चाह रहे हैं लौकी गोश्त, जिसके लिए हमने गोश्त लिया है, 350 ग्राम गोश्त लिया है, जिसमें हमने प्याज डाल के 2 मीडियम साइज के प्याज और गरम मसाला डाल के हमने गला लिया। जैसे हर दफ़ा आपको बताते हैं 1 गिलास पानी के साथ इसको हमने गला लिया। ये गल चुका है। उसके बाद हमें चाहिए लौकी, आधा किलो लौकी ली है और इसलिए इसको छील के हमने साफ़ कर लिया और इस तरीके से हमने टुकड़े कर लिए इसके। इसके बाद हमें चाहिए टमाटर, ये हमने 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के जिसको हमने काट लिया। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन और अदरक, हमने 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन लिया और 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लिया और हमने इसमें फ्रेश हल्दी ली है जो सीज़न में आई है, उसको हमने बारीक पीस लिया है। इसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्चें, हमने 10 ली है, इसको हमने बारीक पीस लिया है। ये हमने 10 हरी मिर्चें पीसी है और इस 10 हरी मिर्चों के साथ हमने कश्मीरी 1 लाल मिर्चें पीसी है, इसका कलर लाल करने के लिए, ये हमने बारीक पीस ली। इसके बाद हमें चाहिए गरम मसाला, हमने आधी चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला लिया है और सूखे मसाले में हमें चाहिए नमक, हमने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली है। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल सुनिए। देखिए गोश्त हमारा गल चुका है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक हल्दी जो आपको बताएंगे। इसी के साथ डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची और हरी मिर्ची जो आपको बताती है। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची जो आपको बताई थी। देखिए हमने इसमें मसाले डाल दिए। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे लौकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें लौकी डाल दी और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो आपको बताए थे। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसका मसाला भुनेंगे जब तक हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखिए लौकी गोश्त का जो हम मसाला भून रहे थे उसका मसाला भून रहा है। देखिए काफ़ी हद तक टमाटर जो है वो भून गए और देखिए लौकी गोश्त का जो हम मसाला भून रहे थे लौकी गोश्त का मसाला भून गया। आप देखें टमाटर जो है काफ़ी हद तक भून गए और लौकी भी भून गई। अब इसमें हम कर देंगे शरवा। हमने पानी जो है हमने गरम करा है, इसमें हम 1 गिलास या 1.5 गिलास जितना पानी कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी हम कम ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस जितना आपको शरवा रखना आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे। हमने इसमें 1.5 गिलास जितना पानी डाला है, इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। जब तक शरवा हमारा थोड़ा पक नहीं जाता तो 10 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। देखिए लौकी गोश्त का सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है, लौकी भी भुन चुकी है। देखिए शरवा जो है हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, इतना ही चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला और देखिए अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया जो आपको बताया था, हरा धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन हमारा तैयार हो गया है। बस इसको हम ढक्कन रख के 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, चूल्हा बंद करके, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए आज हमने आपको लौकी गोश्त बनाना सिखाया जो बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना। वैसे तो हमने गोश्त से आपको और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें बनाना सिखाई हैं, उसकी रेसिपी आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगी। आप ये भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी जो भी रेसिपी आपको मिल सके।